अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने घरों में, अपनी फैमिली में खुश होंगे। सब तो पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। कुछ देर हो गई, मैं सोच रही थी कि ये इंशाल्लाह नए साल के पहले वीक में ही अपलोड कर दूंगी, लेकिन थोड़ी सी मसरूफियत होने की वजह से मैं नहीं कर पाई, तो कंप्लीट नहीं कर पाई। तो ये देखें, मैं ये 5 से 6 साल के बच्चे के लिए ये जंपर लेके आई हूँ, स्वेटर कह लें, जंपर। ये बाजू, यहाँ आपको लगता होगा कि ये बाजू खुले हैं यहाँ से और यहाँ से, एक्चुअली ये पैटर्न कुछ ऐसा है, जब पहनेगा बच्चा तो ये काफ़ी ऐसे एडजस्टेबल हो जाएगा। वैसे तो इसको गीला करके ऐसे यहाँ खींच के कर दो तो तब भी होता था, लेकिन मैं कोशिश होती है मेरी कि बच्चा जब पहने नेचुरल वे से ही ठीक हो जाए। और इसी तरह यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये जब ऐसे पहनोगे तो इस तरह ऐसे शेप में आ जाना है खुद ही, क्योंकि इसका पैटर्न कुछ ऐसा है। और ये इसकी बैक साइड है, ये देखें, वो भी बिल्कुल इसी तरह ऊपर ऑरेंज लगाया मैंने ऐसे, और ये नीचे ग्रे और उसका कम्बिनेशन। ये जब बच्चा ऐसे पहनोगे ना तो इसने अपने आप ही बाजू से, जब इसे शोल्डर ऐसे जाएंगे तो ये खुल जाएगा, ठीक है ऐसे। अब मैं आपको इसकी बता देती हूँ ये कितना चौड़ा और कितना लंबा है। ये यहाँ से यहाँ तक 15 इंच, इससे भी खुला हो सकता है, लेकिन वो एक नॉर्मल वाला जो है ना वो 15 इंच आप कह लें खुला है। और इधर से जब हम करते हैं तो ये 17 इंच लंबा है। ये 5 से 6 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक होगा इंशाल्लाह। अगर फिर वो बच्चों की सेहत पर भी डिपेंड करता है, अगर चब्बी बच्चे हैं तो वो 4 से 5 साल के पहन सकते हैं, अगर थोड़े से स्लिम है स्मार्ट बच्चे हैं तो वो 6 साल से ऊपर भी पहन सकते हैं। ये तो मैं जब भी हर वीडियो में अपने बताती हूँ कि आपने अपने बच्चे को ओल्ड कार्डिगन जंपर जो भी है वो उसको माप लेना है और उस हिसाब से बनाना है, ठीक है ना। और स्लीव्स की लेंथ वैसे मैंने बनाते हुए डिटेल में बता दी है, फिर भी मैं यहाँ से यहाँ तक आपको बताती हूँ। ये तकरीबन 15 इंच बन हो रही हैं, 14.5 इंच तकरीबन, ठीक है। और ये तो हो गया पूरा कार्डिगन, और इसकी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है बनाते हुए, वो मैं अपलोड भी करूँगी। हाँ, अगर जो मेरे बिगिनर हैं, न्यू है, जिनको इतना अगर ये पैटर्न मुश्किल लगता है तो आप इसको सीधा उल्टा भी डाल सकते हो। मैंने मतलब ये था कि दो कलर अप्लाई करें, क्योंकि छोटे बच्चों को थोड़ा सा चंकी था फंकी सी चीज़ें अच्छी लगती हैं पहनी हुई हूँ। एक कलर भी ठीक होता है, लेकिन एज के हिसाब से ही डिज़ाइनिंग करो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा, और अगर आपको ये लाइक हुआ है तो लाइक का बटन दबा दें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि आपको मेरी चीज़ें लाइक हो रही हैं कि नहीं हो रही। इस तरह और मेहनत करने का हौसला मिलता है। और वूल जो, हाँ, इसको जो वूल लगी है वो आप कह लें कि 150 ग्राम तक तो ये ग्रे लग गया है और 100 ग्राम ये लग गए, 250 के करीब करीब बना है। तो अगर आप 2 ये ले लें तो उसके बाद जो मैं इसकी कैप को करने लगी हूँ तो वो सारा कवर हो जाएगा 400 ग्राम में, ठीक है। और ये ऑरेंज, और ये ज़्यादा थोड़ा सा पैटर्न ऐसा था तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा लगी है। ये आप 150 कह लो और ये 100 ग्राम के करीब करीब इसको लगी हुई है। बस यही डिटेल थी। और हाँ, अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं मैं ये सिलाइयाँ कहाँ से बाय करती हूँ, तो मैं उनको डिटेल में एक वीडियो बना के उनको सर्च करना बताऊँगी इंशाल्लाह कि आप ये सिलाइयों को कहाँ से बाय करें और कैसे बाय करें। जैसे मैंने बताया ना, मैं सारी चीज़ें ऑनलाइन ही बाय करती हूँ, वूल भी ऑनलाइन बाय करती हूँ। यहाँ मैं अक्सर बता चुकी हूँ अपनी वीडियो के, मैं लंदन रहती हूँ, बहुत बड़ा सिटी है, यहाँ पे थोड़ा सा भी ट्रैवल करना हो तो आपका पूरा दिन चाहिए, तो मैं अपने दिन को सेव करने के लिए ज़्यादातर सारी शॉपिंग ऑनलाइन ही करती हूँ। और अलहम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें अब आ भी अच्छी ही जाती है, अगर नहीं अच्छी आती तो आप रिटर्न कर देते हो, और इतना मुश्किल नहीं है रिटर्न करना भी। डबल निटिंग वूल है, जो कि आसानी से आप डबल निटिंग कह दो, ये यहाँ तो डबल निटिंग बोलते हैं, लेकिन अगर आप देखते हो तो इसके अंदर से ये 3 तारे आपस में मिक्स हुई होती हैं, ये 3 को ट्विस्ट किया होता है। अब मुझे नहीं पता बाकी कंट्रीज में इसको क्या बोलते हो, लेकिन ये 3 उन्होंने ट्विस्ट की होती हैं और यहाँ इसको डबल निटिंग बोलते हैं, ठीक है। और सिलाइयाँ जो मैं यूज़ करती हूँ वो 4 mm है। वैसे हर जो गोला होता है हर इस तरह का, उसके ऊपर लिखा होता है, मेंशन होता है कि आप इसके लिए कौन सी सिलाई यूज़ करो। बहुत अगर छोटी सिलाई यूज़ अगर मैं करती तो वो ये बहुत थिक थिक बनना था।
अगर बहुत लूज करती तो बहुत खुला खुला बनना था, इसलिए बेटर होता है कि रिकमेंडेड सिलाई आप यूज करें। और बाकी जैसे जैसे आप बनाओगे हाथ में वो आपकी नीटनेस तो फिर आती ही रहती है, ठीक है। और ये इसके, और ये इसकी नेक है, ठीक है। चलें अब इसकी वीडियो बनाना सीखते हैं, मैं सिखाती हूँ आपको वीडियो बनाना है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 कर लें, क्योंकि आने वाले वक्तों में आपको मेरी और वीडियो देखने को मिलेंगी। और चलें एक दफ़ा फिर वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, और वीडियो देखते हैं जी। चले हम इसको बनाना सीखते हैं। ये मैंने आपकी और अपनी सहूलत के लिए इतना इसको बना के रखा हुआ है, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने 91 स्टिचेस इसके डाले हैं, ठीक। इसको 91 इसलिए कि 2 के मल्टीपल से बनता है और एक इसको एंड में इक्वल करने के लिए, इसलिए मुझे इसको 91 स्टिच डाले हैं। और इसको इसके यहाँ मैंने आपको सैम्पल के लिए यहाँ से 15 मैंने स्टिचेस ले लिए, ताकि पहले हम डिज़ाइन समझ लें फिर बाद में इसकी वर्किंग सारी सीखेंगे। उसके लिए मैंने ये जो पहली सिलाई है एक सीधी एक उल्टी करके डाल लेनी है, ये जो बॉर्डर है मेरा, ठीक है। फर्स्ट सिलाई ज़रा थोड़ी सी हार्ड होती है तो हम इसी तरह डाल लेंगे, एक उल्टा एक सीधा करके, सीधा पहली सिलाई तो इस तरह डाल गई, ठीक है। ये अब नेक्स्ट सिलाई हमने बॉर्डर की कैसे डालनी है, इस बॉर्डर की, ये पहला तो मैं ऐसे ही उठा लूंगी, ठीक। ये साइड वाला तो ऐसे ही पिक हो जाएगा, ये जो सीधा आ रहा है ना हमने इसको पीछे से बनाना है ऐसे, ठीक। ये जो फ्रंट आ रहा है उसको मुझे ऐसे, जो उल्टा आ रहा है उसको भी हमने पीछे से उठाना है, ये जो सीधा है ये वो भी पीछे से, धागा आगे करके उल्टे को ऐसे पीछे से बनाऊंगी, धागा पीछे सीधा पीछे से। इसी तरह दोनों को स्टिचेस को मैं उल्टे और सीधे को पिछली ऐसे बैक से उठा के बनाऊंगी, ये बैक, अब दूसरी जो रॉन्ग साइड होगी उस पे भी हमने ऐसे ही करने। बस पहली सिलाई आप सीधा उल्टा कर लें, ताकि वो स्टिच डाले होते हैं वो हार्ड होते हैं थोड़े से बनाना। उसके बाद आपने इसी तरह ये फर्स्ट वाला मैं ऐसे उठा लूंगी, ये मेरा यहाँ उल्टा आ रहा है तो ये भी बैक से उठा के बनाऊंगी, ये सीधा आ रहा है तो ये भी ऐसे बैक से बनेगा, ठीक। आपने इसी तरह इसको बनाते जाना है, ये जैसे इसकी 3 सिलाइयां हैं, मैंने टोटल 10 डाली हैं। तो डालने के बाद, बॉर्डर बनाने के बाद हम इसका डिज़ाइन की तरफ आते हैं। ये देखिए ये इसकी 3 सिलाइयों के बाद ये ऐसी शक्ल होगी है, ठीक है। अब उसके बाद मुझे डिज़ाइन डालना मैंने शुरू किया है। ये डिज़ाइन जो है ना ये एक्चुअली 6 सिलाइयों पर डलता है, 4 में तो ये बढ़ बढ़ जाती है, 2 इनका ये गैप होता है जो उसके एक सीधा उल्टा होता है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ये 6 सिलाइयों पे इसका डिज़ाइन पड़ता है। पहली 2 सिलाइयाँ ये जब आप बॉर्डर बना लो पूरा, ये जो मैंने 10 सिलाइयों का बॉर्डर बनाया है, बनाने के बाद हमने पहली 2 सिलाई एक सीधी और एक उल्टी डालनी है ऐसे, ये पूरी मैंने इसको एंड तक बना लेना है। अब रॉन्ग साइड उल्टी सिलाई वो भी उल्टी ही डलेगी, ये उसी तरह जैसे आम हम इसको पर्ल करते हैं, पर्ल करके बनाते हैं उसी तरह बना लेनी है। अब आ जाए थर्ड रो में, थर्ड में हम ये करेंगे, ये अब ये डिजाइन डलेगा। ये 2 मैंने जो डाली थी वो मैंने आपको दिखा दी बॉर्डर के बाद। अब हम ये करेंगे कि इसको, ये पहले वाला मैं ऐसे ही पिक कर लूंगी, नेक्स्ट जो है ये मैं ऐसे उल्टा बनाऊंगी, ठीक, और ये मैं ऐसे ही स्किप कर लूंगी, इसको बनाऊंगी नहीं, फिर मैं ऐसे इसको उल्टा बनाऊंगी, ये स्किप कर लूंगी, ऐसे उल्टा बनाऊंगी, ये स्किप हो जाएगा, ठीक। ऐसे एक को मैं उल्टा बनाती जाऊंगी, दूसरा मैं ऐसे ही उठाती जाऊंगी,
ये पूरी रो इसी तरह हमने कंप्लीट कर लेनी है। ये मैंने ऐसे उठाया, ओके, और ये एंड वाला फिर बन गया, और ये ऐसे, ओके। ये मेरी डिज़ाइन की थर्ड सिलाई हो गई। अब फोर्थ में हम ये करेंगे कि जो हमने ऐसे ही उठा लिए थे उसको बनाना है, और जो हमने बना लिया था उसको हम फिर वैसे ही उठा लेंगे, ठीक है। ये पहला स्टिच तो आपने वैसे ही उठा लेना है, ठीक है। ये अब ये देखें, इसमें मैंने इस साइड पे इसको बुना था, इसको हम अब ऐसे करेंगे, इसको ऐसे ही उठा लेंगे क्योंकि मैंने बुना था। जो नहीं मैंने बनाया था, स्किप किया था, उसको हम ऐसे करेंगे, ऐसे बनाओ, धागा आगे करो, फिर बना लो। एक के मैंने तीन कर लिए, अब ये मैंने ऐसे ही उठा लेना है। अब फिर इसके एक के तीन, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैंने बना इसको नहीं बुना था, इसको मैंने इधर बनाया था, ये देखो बुना हुआ है, इसको मैं ऐसे ही उठा लूँगी। इसके जो मैंने ये वैसे ही उठाया हुआ था, नहीं बुना था, उसको मैं एक के एक बनाऊंगी उल्टा, फिर धागा ऐसे नीडल से घुमा के दोबारा बना लूंगी, ठीक। इसके मैं एक के तीन कर लूंगी, ये इसी तरह ये पूरी रो हम कंप्लीट कर लेंगे। एक के तीन, ये वैसे ही एक के तीन, ऐसे ही एक के तीन, और ये ऐसे ही, और एंड वाला वैसे ही बना लेंगे। ये हमारी फोर्थ रो थी डिज़ाइन की। अब फिफ्थ स्टेप में हमने ये करना है, मैंने ये उठा लिया, ये जो पहले वाला है स्टिच मेरा, ये जो उल्टा जो मैंने इस दफ़ा वैसे ही पिक किया था, उठाया था, बुनाया नहीं था, इसको मैं सीधा बना लूँगी, धागा आगे करके। ये जो मैंने तीन बनाए हुए थे इनको मैं इकट्ठा बना लूँगी उल्टा, फिर धागा पीछे, ये नेक्स्ट सीधा, धागा आगे, ये तीन के हम ऐसे ही इकट्ठे बना लेंगे। ये हमारी फिफ्थ रो है अब स्टार्ट, ओके। ये फिर मैंने ऐसे ही बना लिया, इन तीनों को उल्टा करके पर्ल कर लिया, ये मैंने इस तरह निट कर लिया, इसको मैंने ऐसे पर्ल कर लिया, ये निट हो गया। इसी तरह मैं ये पूरी रो कंप्लीट कर लूंगी, और जो आखिरी हमारी रो है, सिक्स्थ रो है अब, वो ये देखिए ऐसे बन गया, वो कुछ भी नहीं, वो सारी उल्टी बनेगी, यानी कि बेस ये सारी उल्टी हो जाएगी, और ये डिजाइन की सिक्स्थ रो है और उल्टी रो है, ठीक। पहली फर्स्ट रो तो एक दफा एक सीधी और एक उल्टी रूटीन में बनानी है, पर्ल निट करना है, फिर हमने जैसे मैंने कहा एक स्किप करके उठाना है, वैसे ये हो गया। अब यहां से डिजाइन को फिर हम रिपीट करेंगे। रिपीट कैसे करेंगे, उसी तरह पहली टू रो एक दफा सारी निट करनी है, और नेक्स्ट टाइम हमने पर्ल करनी है। ये मैं ऐसे सारी निट करने लगी हूँ, ये देखिए मैं इसको सारे को सीधा बना लिया है। अब दूसरी जो रो है वो सारी उल्टी बनेगी, यानी कि पर्ल होगी, ये देखिए ऐसे, ये अब दो का इनमें गैप आ गया। अब फिर ये वाला पैटर्न रिपीट होगा, वो कैसे होगा, उसी तरह जैसे हमने पहले, मैंने ये उठाया, इसको मैंने ऐसे बनाना है, धागा पीछे, सॉरी धागा पीछे नहीं, इसको वैसे स्किप करना है, फिर इसको बनाया, धागा इसको वैसे ही बनाया, ऐसे स्किप किया, बनाया, और एंड पे बना गया, ठीक। अब अगली सिलाई पे हम ये करेंगे कि जो हमने ऐसे ही स्किप किए हैं उनको तीन तीन बना लेंगे उनके, और ये जो हमने इस दफा बना लिया उसको वैसे ही स्किप करेंगे, ठीक है। इसमें ये है कि ये हमने पहले वाला बनाया था इधर, ये मैं ऐसे ही स्किप करूंगी, और इसके मैं तीन बनाऊंगी जो कि लास्ट टाइम हमने नहीं बनाया था, वैसे स्किप किया था, ऐसे एक के तीन, इसको ऐसे ही एक के तीन, ये ऐसे ही, और
ओके, ये फोर्थ हमारी रो कंप्लीट होगी, फोर्थ सिलाई। अब हमने क्या करना है कि ये जो, अब इस दफा हमने ऐसे ही उठा लिया और ये उल्टा है वैसे तो, इसको हमने सीधा बना लेना है और जो तीन बनाए थे उनको हमने उल्टा बना लेना है ऐसे, धागा पीछे, ये एक सीधा, फिर ये तीन उल्टे, धागा पीछे, एक सीधा और ये तीन उल्टे, तीन उल्टे। अब जो दूसरी लास्ट हमारी सिलाई है उसने सारी ने उल्टी पढ़ना है, यानी कि वो सारी ऐसे, ये देखें ये बन गया। अब ये अगली सिलाई हमारी पर्ल होगी सारी, इसको हमने सारा उल्टा बना लेना है वैसे। चलिए ये हमारा, ये देखें ये दो दफा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब फिर हमने उसी तरह रिपीट करना है, और रिपीट करते करते इतना बना लिया। ये कितने टाइम रिपीट हुआ है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 टाइम ये डिज़ाइन मेरा रिपीट हुआ है, ठीक है। और इतनी ही मुझे इसकी लेंथ चाहिए थी, उसके बाद मैंने इस बनाया है। ये देखें यहाँ तो आप समझे कि ये 11th टाइम रिपीट हो चुका है। उसके बाद मैंने इसके साथ धागा ऑरेंज वाला ऐड कर लिया है। उसमें दो सिलाइयाँ तो एक सीधी एक उल्टी ये डलेंगी, और ये दो सीधी सीधी होंगी, फिर सीधी उल्टी, दो सीधी सीधी, इसी तरह ये मैंने सिंपल उसको, अच्छा यहाँ मैं पूरी सीधी सीधी ऐसे बना रही हूँ, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे बस दो सीधी बनाऊंगी, फिर वापसी पे उल्टी बनाऊंगी। ओके, ये मैंने दो सिलाइयाँ इसकी एक सीधी और उल्टी डाल ली है। अब मैं उसी को वापस ग्रे को धागे को दोबारा से उसका सीधा सीधा बना रही हूँ, और फिर अगली सिलाई फिर मुझे सीधी सीधी ही बनानी है ताकि ये थोड़ी सी रिज सा बने। ये देखें मैंने दो डालने के बाद दो सिलाइयाँ इसकी डाली थी, अब फिर मैंने दो ऑरेंज डाल ली, अब फिर दोबारा मैं इसको एक कर बना रही हूँ ग्रे को। ओके, अब फिर ग्रे की सीधी इसी तरह मैंने 3-4 टाइम इसको रिपीट कर लिया है, ये ग्रे। ओके, सीधी, अब इस दफा फिर ग्रे की सीधी, यानी कि ऑरेंज की मैं एक सीधी उल्टी डाल रही हूँ और ग्रे की मैं दोनों साइडों पे सीधी सीधी ही बना रही हूँ जी। ये देखें, ये देखे इस तरह 1-2 टाइम अभी ग्रे की ये हुई है, यहाँ मैंने 1, 2, 3, 4 टाइम ऐसे किया हुआ है। जो इस पैटर्न को इतना ही रखना था, उससे आगे मैंने इसको सादा सादा चलाना है, ये जैसे कि मैंने ये बैक साइड बनाई हुई है, ये देखें। इसके बाद मुझे इस तरह सादा इसको ऑरेंज कलर को लेके चलना है, लेकिन उसके लिए हमें ये करना है कि मुझे यहाँ दोनों साइडों पर एक एक स्टिच बढ़ाना पड़ेगा इस डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए। पहले मैंने 91 यहाँ डाले थे इस डिज़ाइन को बैलेंस करने के लिए। अब अगर मैं इस तरह 91 के साथ चलती हूँ तो उससे ये होगा कि एक साइड तो ये ऐसे आएगी, दूसरी साइड में ये दो तीन एम्प्टी आएंगे, तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसको बैलेंस करने के लिए मैंने दोनों तरफ से एक एक स्टिच बढ़ा दूंगी, जो कि बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। यहाँ मैंने बढ़ाया हुआ है, कोई फील नहीं हो रहा, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन थोड़ा स्ट्रेचेबल है, तो यहाँ बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, ठीक है। अब मैं ऐसा करूँगी, पहली सारी सिलाई मुझे सीधी सीधी डालनी है, और एक एक मैं ये पहला जो स्टिच बनाने के बाद एक स्टिच बढ़ा भी लूँगी। जैसे ये मैंने एक किया बनाया और एक ऐसे मैंने यहाँ बढ़ा लिया, बाकी मैं ये सारी सिलाई सीधी सीधी डाल रही हूँ। ऐसे ही डालने के बाद जब मैं यहाँ आऊँगी तो यहाँ फिर मैं एक स्टिच बढ़ा के बढ़ा लूँगी, और इस तरह फिर ये मेरा डिज़ाइन बैलेंस हो जाएगा जी। ये देखें मैं बनाते बनाते एंड पे आ गई हूँ, ये बनाऊँगी और उसके बाद मैं एक इसका स्टिच बढ़ा के और ये एंड का बना लूँगी। दोनों तरफ से मेरे एक एक स्टिच पड़ गए। अब नेक्स्ट सिलाई पे हमने इस पैटर्न को स्टार्ट करना है। पहली सिलाई तो मैंने सारी सीधी सीधी डाल ली है, उसमें हम ये करेंगे। अब इसको आपने गौर से देखना ताकि दोनों तरफ से पैटर्न इक्वल आए। ये मैंने ऐसे उठाने के बाद इसको मैंने एक बना लिया उल्टा,
पहला साइड का उठाने के बाद उल्टा बना लिया, फिर मैंने दो सीधे, फिर धागा आगे एक उल्टा, दो सीधे उल्टा, दो सीधे उल्टा। इसी तरह आपने ये पूरी सिलाई, दो हमने निट करने वन पल, टू निट वन पल करके सारी एंड तक इसी तरह बना लेनी। मैं एंड पे आ गई हूँ, ठीक है ना। दो सीधे मैंने बना लिए, अब एक उल्टा, दो सीधे एक उल्टा, और ये एंड का। अब यहाँ भी ये एक उल्टा एंड पे आया है, और यहाँ भी मैंने स्टार्ट उल्टे से किया था। इस तरह दोनों साइडों से डिज़ाइन फिर बराबर आ जाएगा। ये जो उल्टा था इधर आके सीधा हो गया। अब हमने ये करना है, ये सीधा तो मैंने ऐसे उठा लिया, ये साइड वाला तो मैंने ऐसे कर लिया। ये जो सीधा स्टिच है इसको मैं बगैर बनाए ऐसे स्किप करूँगी, अगले दो फिर मैं सीधे ही बनाऊँगी। इसको मैं स्किप कर लूँगी, दो सीधे स्किप, दो सीधे। इसी तरह ये पूरी सिलाई मुझे एंड तक कंप्लीट करनी है, दो सीधे और ये स्किप। ओके, ये देखें मैं बनाते बनाते एंड पे आ गई हूँ। स्किप, दो सीधे, ये ऐसे ही स्किप एंड ये उल्टा। अब ये जो ऐसे ही स्किप किया हुआ है सीधा, इसने यहाँ पे इस साइड पे फिर इसी तरह स्किप वाले ने इस साइड पे ऐसे उल्टा बनना है, और फिर ये दो सीधे, ठीक जैसे पहले इससे पहले सिलाई डाली, ये उल्टा दो सीधे, फिर एक उल्टा दो सीधे। इसी तरह ये मैं पूरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद जब वापस आऊंगी करूंगी, तो फिर वो जो सीधा है उसको मैंने ऐसे ही स्किप कर लेना है, और ये दो सीधे बनाने हैं, ठीक है। ये देखें ये मैंने कुछ सिलाइयाँ डाल दी हैं, यानी कि आप कहें कि 1, 2, 3 टाइम तक ये ऐसे पैटर्न रिपीट हो गया। अब ये के ये मैंने 91 स्टिच लिए थे, दो जब मैंने दोनों साइडों पे ऐड कर लिए तो 93 हो गए। अब मैंने इस 93 को 42 मैंने इस साइड पे रखा, 42 मैंने इस साइड पे कर लिया, और मिडिल के 9 जो है ये बटन पट्टी के लिए यूज़ करूँगी, ठीक है। तो इनको मैंने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, 42 + 9 + 42 इनको ऐड करो तो ये 93 ही बनेगा। अब मेरा धागा जो है वो इस साइड पे आया हुआ है, ठीक। अब हम इनको सेपरेट सेपरेट बनाएंगे। पहले तो मैं यहाँ तक बनाऊंगी, और ये जो पट्टी है वो इसके साथ ही बनेगी। यहाँ से मैं अजाफी 9 एक्स्ट्रा 9 स्टिच को ऐड कर लूँगी, ताकि ये बटन पट्टी जो रिपीट डबल होनी होती है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक तो पैटर्न के हिसाब से ही बनाऊंगी, बस इस दफ़ा बस उसी तरह जैसे मैं डिज़ाइन मैंने आपको सिखाया है उसी तरह बनाएंगे। ये एक उल्टा और दो सीधे, एक उल्टा दो सीधे, इसी तरह एक उल्टा दो सीधे करके ये मैं यहाँ तक बनाती हूँ, ठीक है। देखिए मैं एंड में पहुंच गई हूँ, ठीक है, एंड तक। और यहाँ एक सीधा और उल्टा, फिर सीधा। अब यहाँ तक ही ये वाली पट्टी मुझे इसके साथ बनानी है, यहीं से मैं इनके 9 स्टिचेस को ऐड करूँगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, ओके 9 स्टिच ऐड हो गए। अब इसको मैं यहीं से रिटर्न करके बनाती हूँ। ये पहले तो मैं अभी एक ये सीधा ऐसे सीधे सीधे बना रही हूँ, ये 2, 3 4, 5, ये थोड़ा से आपको केयरफुली करने पड़ेंगे, ओके 6, 7, 8 and 9, ठीक 9। उसके बाद ये इसका एक 10। अब मैं बाकी पैटर्न के हिसाब से इस तरह ये वैसे ही उठा लूँगी, दो सीधे वैसे ही,
दो सीधे, वैसे ही दो सीधे, ओके। इसी तरह मैं बना के डिज़ाइन के हिसाब से इस तरह बना, ये देखें ये मैंने उल्टी सिलाई भी सारी डाल ली है, इधर आ गई हूँ। अब ये जो 9 मैंने स्टिच डाले थे, इस 9 स्टिच को मैं ये करूँगी एक सीधा और एक उल्टा डाल के फिर 7 मैं सीधे सीधे डालूँगी। ये मैं इसकी आपको बताती हूँ रीज़न कि ये मैंने ऐसे क्यों डाले। अगर हमने ये देखें है ना, यहाँ 9 यहाँ तक है और एक ये है 10, 10 की बटन पट्टी फील होगी फिर जब हम बनाएंगे तो ये बहुत चौड़ी फील होगी। अब हम ये करते हैं कि 7, 2, 4, 6, 7 को तो हम ये सीधे सीधे बना लेंगे, बाकी इसको हम एज पैटर्न की तरह ले लेते हैं। वो जब ओवरलैप होगी तो ऐसे खुलेगी भी ना, तो ऐसे इतना बुरा फील नहीं होगी इसमें। अब आप ये करें कि हमने जमा तो 9 किए थे लेकिन 7 को मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक मैं ये बना के इसको मैं वैसे ही उठा लूँगी डिज़ाइन की तरह। फिर मेरे ये आ गए 2 सीधे, फिर डिज़ाइन उसी तरह, ये बाकी सिलाई फिर मैं सारी इसी तरह डालूँगी, ये 2 ऐसे, ठीक है। यानी कि मैंने 9 स्टिच यहाँ बढ़ाए थे और उसमें से 2 को मैंने इस उसी तरह बना लिया जैसे पैटर्न के हिसाब से है। इसी तरह जब मैं यहाँ होंगी, यहाँ तक ये है 9, इसमें मैं 1, 2, 3, 4, 5 ये 2 इसी तरह बनाऊंगी, 2 इसी तरह बनाऊंगी, दरमियान के 5 बनाऊंगी, तो ये भी फिर डिज़ाइन के हिसाब से। चलिए देखें, मैंने स्टिचेस तो 9 डाले थे लेकिन एक को मैंने उसी तरह डिज़ाइन के साथ ऐड कर लिया ताकि ये बहुत चौड़ी पट्टी बटन की नहीं लगे, ठीक है ना। इसको इसी तरह, क्योंकि यहाँ भी मुझे 9 स्टिच के साथ ही पट्टी को बनाना था, ऐसे जब ऐसे ओवरलैप होगी ठीक हो जाएगा, ठीक है। मैंने इतना इसका पोर्शन बना लिया है। अभी कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अगर 4 सिलाइयाँ और डलेंगी तो फिर हम यहाँ से इसकी स्लीव की कटिंग शुरू कर देंगे, जैसे मैंने ये इसकी बैक इसका पोर्शन बना के रखा हुआ है। ये देखें, ये सारा मैंने उसी तरह यहाँ पे 91 डाले, फिर उसी तरह यहाँ पे मैंने इसका एक एक स्टिच बढ़ा दिया था और ये मैंने दोनों साइडों पे इसको ऐसे कंप्लीट किया हुआ है और ये मैंने इसके स्लीव बनाए हुए हैं उसी तरह। यहाँ मैंने पहले 3 कम किए, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 4 टाइम 1, फिर कोई कम नहीं किया, फिर 1 कम किया, टोटल मैंने 12 स्टिच कम किए थे। तो मैं इसकी 4 सिलाइयाँ डाल लूँ तो फिर हम इसकी स्लीव्स के लिए कटिंग कर लें। ये देखें, ये मैंने इतना बना लिया है। आप ये कह सकते हो कि ये तकरीबन 2 इंच तक ये ऑरेंज पार्ट बना है। अब टोटल लेंथ हम देख लेते हैं, टोटल लेंथ कितनी हुई है। अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ तक करूँ तो ये पूरी 12 इंच 12 इंच का ये इतना पार्ट हो गया है, ठीक है ना। अब हमने यहाँ से स्लीव्स के लिए कटिंग शुरू करनी है। वो तो कैसे, हम ये समझिए, ये आप स्लीव्स जहाँ मैं कट करने लगी हूँ, ओके। सबसे पहले मैं 3 कम करूँगी, फिर मैं 2 कम करूँगी, फिर मैं 2 कम करूँगी, फिर 1, 1, 1, 1, ये कितने हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और इस दफ़ा मैं कोई कम नहीं करूँगी, फिर एक और कम कर दूँगी। टोटल मैं 12 स्टिचेस को कम करने वाली हूँ यहाँ से, ठीक है। इसी तरह मैंने ये बैक साइड पे ये देखिए 12 स्टिचेस को कम किया है। अब मेरी सिलाई अभी इधर है, धागा इधर है, ये मैं पूरा बना के आऊँगी और यहाँ से वापस जब मैं रिटर्न लूँगी तो वहाँ से 3 कम कर दूँगी। देखिए मैंने पूरी सिलाई डाल ली, अब मैं यहाँ से 3 को कम करूँगी। एक दो तीन, ओके। अब बाकी मैं उसी तरह पैटर्न के हिसाब से, जैसे ये एक उल्टा 2 सीधे फिर एक उल्टा, इसी तरह मैं ये सारा स्लीव्स को कम कर लेती हूँ। ये देखें, मैंने स्लीव्स के लिए 3, 2, 2, 1, 1, 1, 1 और इस दफ़ा कुछ नहीं, फिर 1 करके 12 स्टिच यहाँ से कम करके इतना बना लिया है। अब इसकी लेंथ हो गई है 15 इंच लंबा हो चुका है, ठीक है।
लेकिन मैं यूजली यहाँ से काउंट कर लेती होती हूँ ये मैंने कितने, या ये देख लेते हैं हमने यहाँ बढ़ाने के बाद कितनी डाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 टाइम ये हो चुका है। अब मैंने यहाँ से नेक के लिए कटिंग करनी है, उसके लिए ये करेंगे कि मैंने यहाँ से शोल्डर के 23 स्टिचेस छोड़ने हैं, 23, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 1 23 स्टिचेस ये छूटी हैं, ठीक। और ये वाली पट्टी को मैं यहाँ तक 2 4 6 8 स्टिचेस इसके लीव कर लूँगी, क्योंकि इसको मैं बाद में इसी तरह गले के लिए बनाना शुरू कर दूंगी। और ये स्टिचिंग मुझे गले के लिए कम करनी है, मैं 3 कम करूंगी, 2 कम करूंगी, फिर 1 1 1 करके इसको कम करूंगी। उसके लिए पहले तो इस पट्टी के ये मैं सा जो 8 स्टिच है वो बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, इसको भी इस दफ़ा चले बना लेते हैं क्योंकि, और यहाँ से मैं 3 काम करूँगी, 1 2 एंड 3, और बाकी उसी तरह पैटर्न के हिसाब से डालेंगे। फिर अगली नेक्स्ट टाइम मैं 2 काम कर लूँगी। अब ये वाले जो है ना इनको मैं इस सुई में परो लेती हूँ, इनको मैं ऐसे ही नीडल इस सेफ्टी पिन में डाल देती हूँ ऐसे, और उसको नेक के लिए मैं इस तरह कटिंग करना शुरू कर देती हूँ। मैं आपको लिख भी देती हूँ यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक, फिर इसको इसको इसी तरह ऐसे ऐसे, और ये मैं आपको लिख देती हूँ, ये नेक है, ये पट्टी, पट्टी के ये 8 मैंने छोड़े हैं, फिर मैं 3 काम कर रही हूँ, 2 काम करूँगी, 1 1 1 3 टाइम 1 1 करके फिर मैं वैसे ही, और ये मेरे 23 है इसी शोल्डर के, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी बैक साइड पे भी मैंने 23 ही लीव किए थे। अब ये मैं यहाँ पे 3 कम कर चुकी हूँ, जब मैं दोबारा आऊँगी फिर मैं 2 कम कर लूँगी, 1 1 करके इसको कटिंग को कंप्लीट करती हूँ। जी ये देखें, यहाँ से मैंने 3 2 1 1 1 करके इसको कम करने के बाद इसको बंद कर लिया। अब इसकी टोटल लेंथ देखते हैं कितनी हो चुकी है। अगर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से मैं इसको, ये तकरीबन 17.5 तक इसकी लेंथ टोटल हो चुकी है, 17 आप कह लो, 17 इंच कह लो, ये 17 इंच तक इसकी लेंथ हो चुकी है, ठीक है ये। और यहाँ से यहाँ जो मैंने ये तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 26 27 28 29 30 टाइम ये बनाने के बाद मैंने इसको बंद कर लिया है, ये इस तरह ये शोल्डर हो गया है। मैं यूजली ये कि अब मैं 30 टाइम ही इधर करूँगी, फिर शोल्डर बड़े छोटे नहीं होते, समटाइम आपको ऐसे नापते हो ना तो शोल्डर छोटा बड़ा हो सकता है। तकरीबन ये 6 इंच तक इसका आप देख लो, ये इसका ऐसे खुला बना है, ठीक है। अब ऐसा है, अब मैंने इस साइड से ये, अब मैं इसको ये करूँगी कि ये वाला तो साइड होगा, ये मैं ऐसे ही उठाऊँगी, 1 2 3 4 ये और 5, ये 5 जो है ना मिडल के मैं ऐसे सीधे सीधे बनाऊँगी, और ये फिर इसी तरह बनेगा, और ये दोनों इसी तरह बने, ये 2 इसी तरह बनेंगे, मिडल के 5 को मैं सीधा सीधा बनाऊँगी, यहाँ के बटन होल बनेंगे। इस तरह पट्टी जब आप ऐसे पहनो, ऐसे लगाओगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ से इसको धागे को ऐड करती हूँ, ये मैंने धागे को ऐड किया, पहले वाला तो मैं ऐसे ही सीधा बनाने के बाद आगे ले आई, उसको उल्टा वैसे बनाया। अब मैं 5 1 2 ये भी उसी तरह, 3 4 5 जो मैंने सीधे बनाए, फिर ये
सीधा वैसे बना और ये दो, अब इसको निकाल दूंगी। अब ये इसी तरह दो सीधे और एक उल्टा बना के आप इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। ये देखें मैंने इतना बना लिया जहाँ से अब मेरी स्लीव्स के लिए कटिंग होगी। और इधर जो मैं आपको पट्टी दिखाना चाह रही हूँ ये देखें, ऐसे मिडल के फाइव मैंने सीधे सीधे बना लिए और ये दोनों एक तरह आ रहे हैं। इस तरह जब फिर ऐसे पट्टी एक ऐसे बंद होगी ना तो वो पहनी हुई अच्छी लगेगी। ये देखें अब ये कि इनकी दोनों की लेंथ ये देखें इक्वल हो चुकी है। अगर मैं इस वाले पोर्शन दूसरी साइड वाले में से इसको नापती हूँ तो ये बराबर हो चुकी है, ठीक। अब मैं यहाँ से तीन कट करूँगी, दो कट करूँगी, जैसे कि मैंने आपको ये स्लीव की कटिंग बताई है, टू करके 12 स्टिचेस यहाँ से इधर से कम कर लूँगी। अभी तो मैं यहाँ तीन कम करने लगी हूँ, जब मैं यहाँ आऊँगी तो एक मैं बटन होल भी बना लूँगी, ठीक है। वो कैसे आपको दिखाती हूँ मैं, वन टू एंड थ्री, ये थ्री बन गए। और बाकी मैं उसी तरह पैटर्न को दो सीधे, ये स्किप होगा, दो सीधे इसी तरह करते बाकी सारे बनाऊंगी। तकरीबन पट्टी के पास आ गई हूँ, इसमें ये दो सीधे होंगे, ये स्किप होगा। अब ये जो फाइव है ना इनमें मैं दो बनाऊंगी, ठीक, धागा आगे करूंगी, करने के बाद दो को इकट्ठे बना लूंगी, उससे ये कि ये जाली से एक होल बन जाएगा, ठीक, और ये मेरा बटन होल होगा। उसके बाद फिर ये दो, ये ऐसे ही पैटर्न के हिसाब से स्किप और ये साइड की, यहाँ मेरा एक यहाँ बटन होल हो गया। ये मैं इस साइड से जब बनाऊंगी तो फिर आपको दिखाती हूँ। अब इसमें से ये तो उल्टा बनेगा, फिर बाकी पांच सीधे, एक दो तीन चार पांच सीधे और ये उल्टा, फिर उसी तरह डिज़ाइन के हिसाब से। अब आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें ये एक बटन होल बन गया है, ओके। अब मैं इसी तरह अब यहाँ सारे स्लीव की कटिंग कर लेती हूँ, टू थ्री टू वन करके वन में, और साथ साथ अभी थोड़ी गैप के बाद फिर हम दोबारा एक और, अभी तो मैंने यहाँ बनाया ना, फिर अभी यहाँ तक आके फिर एक और बटन होल बनाते हैं। ये देखें मैंने उसी तरह 12 स्टिचेस इस तरह कम कर लिए हैं और ये मेरा इतना बन गया है। अब मैं यहाँ तक बना के पट्टी को वैसे ही सेफ्टी पिन में डाल लूँगी और बाकी मैं इस तरह कटिंग करके, और ये मेरा फर्स्ट पैनल ऐसे भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये बैक पैनल जैसे मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ, मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। वो कैसे, उसी तरह मैंने 91 स्टिच लेके इस तरह बनाते हुए यहाँ पे एक एक स्टिच बढ़ा दिया था, 93 हो गए थे, उसी तरह 12 मैंने इसी तरह 12 इधर से और 12 इधर से, जब मेरे ये 12 इंच की हो गई, इसके इक्वल हो गया, ये देखें इसके जब इक्वल हो गया था 12 इंच पे ये तो मैंने इसकी कटिंग शुरू कर दी थी। करते करते जब बिल्कुल तीन सिलाइयाँ पहले मैंने इसको इसका गला कम कर लिया, कितने इंच पे था तो मैंने इसका गले की कटिंग की वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तकरीबन चार पांच सिलाइयों से पहले अगर मैं यहाँ से नापती हूँ बैक को, तकरीबन ये 16 इंच पे, ये 16 इंच पे तकरीबन मेरा आप कह लें 60 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये गला कम करना हो गया, शुरू हो गया था 16 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक। अब 16 पे कर लें जो भी जैसे भी, क्योंकि मुझे ये बहुत डीप गला नहीं बनाना था, मुझे बैंड सा बनाना था। उसमें ये मैंने किया कि मैंने 23 स्टिच इधर रखे, 23 ही इधर रखे, और मिडल में पहले मैंने 15 स्टिच कम किए, फिर 3 कम किए, फिर 1, और उसके बाद एक करने के बाद बंद कर दिया। ये मैं आपको लिख भी देती हूँ, लिख मैं इसलिए देती हूँ अगर किसी को मेरे बोलने में समझ नहीं आती तो वो समझ आए। ये मेरे 23 स्टिच मैंने यहाँ छोड़े, 23 ही यहाँ छोड़े, फ्रंट पे भी 23 ही थे। ये पहले मिडल में मैंने 15 स्टिच को कम कर बंद कर दिया, ठीक, फिर मैंने 3 इधर बंद कर दिए, फिर मैंने एक बंद कर दिया और एक बनाया और इसको बंद कर दिया, एक बनाया कम नहीं किया, 3 कम किए, एक कम किया, ये मैंने ऐसे ही एक दो सिलाइयाँ डालने के बाद बंद कर दिया। इसी तरह 3 कम हुए, 1 कम हुआ, फिर एक दो सिलाइयाँ डालने के बाद ये वैसे ही बंद हो गया, ठीक है ना।
और ये दरमियान में भी 23 स्टिच ही थे जो कि बंद हुए थे, 15 बंद हुए, 3 बंद हुए, फिर 1 बंद हुआ, इसी तरह यहाँ 3 बंद हुए, ये भी सेपरेट सेपरेट ही दोनों मेरे पोर्शन बने यहाँ से। और अब ये हो गया दोनों, अब इन दोनों को फिर जब बन जाएंगे तो ऐसे रख के इनके शोल्डर को ऐसे सी लूँगी मैं, ऐसे जैसे ये दोनों को सीने के बाद इसकी हम फिर नेक बनाएंगे ऐसे, ठीक है। अभी मैं 2-3 सिलाइयों के बाद एक और बटन होल बनाऊंगी और एक बैंड के ऊपर बटन होल बनेगा। ये तो फ्रंट और बैक की वर्किंग थी। अब मैंने स्लीव्स कैसे बनाए हुए हैं ये भी आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने स्लीव्स बना के रखे हुए हैं। मैंने इसके स्लीव्स के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने स्लीव्स के लिए 45 स्टिच लिए, 45 मैंने स्टिच इसमें डाले। डालने के बाद उसी तरह 10 सिलाइयों का ये मैंने बॉर्डर बनाने के बाद ये उसी जो डिज़ाइन मैंने आपको सिखाया था उसी तरह डाल लिया। यहाँ तक कुछ भी नहीं मैंने किया, बस ये 45 स्टिच थे। जब सेकंड टाइम मैं डिज़ाइन डालने लगी तो मैंने यहाँ से एक स्टिच बढ़ा लिया, जब ये सेकंड मेरा डिज़ाइन शुरू होने लगा था सेकंड टाइम। फिर एवरी डिज़ाइन के स्टार्ट में, हर छठी सिलाई के शुरू में मैं एक एक यहाँ पे स्टिच बढ़ाती चली गई, एक एक दोनों ही साइडों से, और ये फैलता चला गया वो ऐसे कि जैसे ये मैंने 45 स्टिच डाले हैं, यहाँ तक मेरा बॉर्डर था, ठीक। उसके बाद मेरी ये 6 सिलाई तक डिज़ाइन बना, 6 सिलाइयाँ यानी कि उसकी एक फ्रंट है, फिर बैक है, ठीक, फिर ये 1, 2, 3, 4 सिलाइयों तक, फिर ये एक दफ़ा पैटर्न कंप्लीट हो गया था, ठीक, 6 सिलाइयों में, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में। उसके बाद जब मैं शुरू करने लगी थी ये सिलाई अपनी इधर से, तो मैंने एक इधर से स्टिच बढ़ा लिया, एक के 2 कर लिए, एक इधर से 2 कर लिए, ये मेरी पहली सिलाई थी। दूसरी सिलाई उल्टी वैसे ही डली थी सेकंड। थर्ड सिलाई फिर डिज़ाइन को लेके मैंने बनाई थी, फिर फोर्थ सिलाई उल्टी, फिफ्थ सिलाई इस तरह चली, फिर ये 6th होगी डिज़ाइन की, ठीक है ना। ये हो गया था 1, 2, 3, 4, ये हो गई थी मेरी ए 1 सिलाई जिस पर मैंने डिज़ाइन डाला था, इसको छोड़ के 1, 2, 3, 4, 5 सिलाइयाँ बन गई। 5 के बाद जब फिर मेरी 6 सिलाई नया डिज़ाइन शुरू होने लगा तो फिर मैंने दोनों साइडों से एक एक बढ़ा लिए, एवरी डिज़ाइन के स्टार्ट में, एवरी 6 सिलाई के पे, एक इस पे जब बढ़ाने के बाद 5 सिलाइयाँ डालने के बाद जब छठी सिलाई शुरू होने लगी तो फिर मैं बढ़ा लिया। बढ़ाते बढ़ाते मैं उसके बाद मैंने यहाँ तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टाइम मैंने बॉर्डर बनाया। फ्रंट और बैक में मैंने 11 टाइम बनाया था, यहाँ मैंने एक टाइम बॉर्डर ज़्यादा बनाया है। वो भी आपके बच्चे के बाजुओं पे डिपेंड करता है, क्योंकि इस एज में आके सब बच्चे की हाइट लंबी होती है, बाजू भी लंबे होते हैं, तो आपने खुद देखना होता है। अगर तो ये ठीक है लग रहा है तो आपको ठीक है, वरना आप इस डिज़ाइन को और भी डाल सकते हो। ये पोर्शन कोशिश कीजिएगा ऐसा ही रहे, क्योंकि ये फिर फ्रंट पे आके जब ऐसे बाजुओं से ऐसे मीट करेगा तो वो फिर सेम ये लेवल पे आएगा, ठीक है। ऐसे जब इसको मैं सीऊंगी फिर ये ऐसे लेवल पे आएंगे। तो अगर आपने बाजू लंबे करने हैं तो आपने ये ग्रे ग्रे पोर्शन पे ही लंबे करने हैं। उसके बाद उसी तरह मैंने 2-2 ऐसे करके सिलाइयाँ डाली, और साथ साथ एवरी 6 सिलाई के स्टार्ट में मैं एक एक स्टिच बढ़ाती भी गई। यहाँ भी मैंने ऐसे ही किया, करने के बाद जब मेरे इतना हो गया ये वही उसी तरह ये मैं एक 9 टाइम मैंने 18 सिलाइयाँ डल गई तो फिर मैंने इसकी कटिंग शुरू की। और ये कितनी लेंथ तक मैंने इनसाइड लेंथ कितनी थी, यहाँ ये बाजू यहाँ से लेके यहाँ तक तकरीबन 12.5 इंच बने हुए हैं, 12.5। वो 12 थे, ये तकरीबन 1/2 इंच का एक डिज़ाइन में से फ़र्क पड़ा है, ठीक है ना। अगर आपने और लंबे करने हैं तो आप यहाँ 2 डिज़ाइन बढ़ा लीजिएगा, बाकी पोर्शन वैसे ही बना। और लेकिन जब बढ़ाते बढ़ाते यहाँ तक ये मैंने 45 से शुरू किया था, जब दोनों साइड से ऐसे स्टिच बढ़ते चले गए ऐसे, ठीक, और ये फिर इसकी कटिंग होगी ऊपर से ऐसे राउंड कटिंग होगी। और यहाँ जहाँ मैंने कटिंग करनी शुरू की थी तो ये 79 स्टिच हो चुके थे मेरे,
ये 45 है यहाँ तक 79। अगर आप बाजू लंबे रखोगे तो स्टिच में भी मोर भी हो बढ़ जाएंगे ना, अगर आपने एक और लंबा डिजाइन बनाया तो एक एक स्टिच और बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो इससे परेशान नहीं होना आपने। उसके बाद जब मैंने यहाँ तक कर लिया तो फिर मैंने क्या किया, तीन फर्स्ट टाइम कट किए, फिर टू 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 टाइम टू टू फन टू फंडे टू स्टिचेज ऐसे कम करती चली गई। कितने टाइम, एक टाइम मैंने थ्री कम किया, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम कट करने के बाद मैंने इसको सारा बंद कर दिया, ठीक है ना, 7 टाइम। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, यहाँ पे पहले मैंने 3 कम किए, फिर 2 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 यस, इतना करने के बाद फिर मैंने सारा इक्वल बराबर कट कर दिया। इसी तरह मैंने जब मैंने इधर 3 कम किया तो जब मैं वापस आ रही थी तो यहाँ भी 3 कम करके आ गई, यहाँ मैंने 2 कम किया जब यहाँ चलते वापस आ रही तो इधर भी 2 कम करके आ गई, दोनों को साथ साथ में ही मैंने कम किए। वो इसी तरह 3 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये करने के बाद यहाँ तक ही पहुँच गया था, इक्वल हो गया था, ये सारा मैंने इसको बंद कर दिया और ये मेरा बाजू कंप्लीट हो गया। अब कंप्लीट होने के बाद बाजू की कितनी लेंथ बनती है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने अपने बच्चे की लेंथ बाजू की जो ओल्ड कोई कार्डिगन होगा जंपर होगा उसको देख के करनी है। यहाँ से मैं शुरू हुई हूँ तो ये 14 इंचेस की लेंथ हो रही है। ओके, आई होप कि ये आपको समझ आ जाए आ गई होगी बाजू बनाने की। तो इसमें मैं एवरीथिंग अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बनाऊं तो वो वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है और अपलोड करने में मसला होता है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसकी सारी वर्किंग बता दूं और आपको पैटर्न सिखा दूं कि इस पैटर्न में कितने स्टिचेस के साथ क्या क्या करेंगे तो ये कार्डिगन बनेगा। ठीक है, अभी तो मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, इसी तरह करने के बाद फिर हम इसके नेक के स्टिच उठाएंगे। ये देखें, ये मैंने उसी तरह इसका बना के ऐसे गला इसको नेक को कटिंग करके और ये दोनों तरफ से मैंने इसके शोल्डरों को सी लिया है, ये और ये। यहाँ पे मैंने कितने टाइम के बाद दोबारा एक और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के बाद एक बटन होल मैंने और कर लिया है, ठीक है ना। अब ये बाकी एक बटन होल यहाँ पे और लगेगा, तो अभी तो मैंने ये दोनों शोल्डर सी लिए हैं, अब मैं यहां से सीऊंगी इन दोनों को आपस में ऐसे। मैंने सुई में धागा डाल लिया है ऐसे और ये वाली एंड से ऐसे पकड़ के इनको, ये देखें, इसको मैं इन साइड से फिर इधर से ट्राई करूंगी सीने की ऐसे। अब यहाँ से यहाँ तक मैं इनको सी लूंगी, और एक दो स्टिच इधर भी सिल जाएगा। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ऐसे ये पट्टी ऐसे सिल गई। अब मैं इसी सुई को वापस इसी साइड पे लेके आऊंगी और एक दफा फ्रंट से हम इधर से थोड़ा सा पक्का कर देंगे उसको, ताकि वो जो सुई को मैं लेके आऊंगी और सुई को मैं फ्रंट पे ले आऊंगी ऐसे ऐसे इधर फ्रंट पे। ओके, ये देखिए, लाने के बाद मैं इधर से बस 1 2 स्टिच यहाँ से उठा के इधर से ऐसे पक्का काट दूंगी और ये मेरी बटन पट्टी रेडी। मैं वापस ये लें जी, मेरी बटन पट्टी रेडी हो गई है और इसको मैं कट कर लेती हूँ जी। अब मुझे मैंने ये देखे ऐसे
ये बटन, अब एक बटन यहाँ लगेगा एक यहाँ लगेगा, ठीक। अब मैंने यहाँ से नेक के लिए स्टिच उठाने हैं। अभी तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, देखती हूँ लूज हैंड में ये कितने एक साइड से उठाए जाते हैं। मेरी ये 8 स्टिच तो मैं ऐसे ही उठा लूँगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक। और उसके बाद धागा से यहाँ धागा ऐड करूँगी और हमने थोड़ी थोड़ी गैप के बाद देखना है कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये 15, 16, 17, 18, 18 यहाँ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 and 27। ये मेरे एक साइड पे बिल्कुल साथ साथ अगर मैंने उठाए हैं तो ये 27 उठाए गए हैं। और एक आप यहाँ कर लो इसका बिल्ला, 28 ये बनी है, ठीक है ना। अब ये के 28 एक साइड पे बनी है, 28 ही मैं दूसरे साइड पे डालूंगी तो ये हो जाएंगे 654। और ट्राई मैं करूंगी कि बैक पे मेरे 30 या 31, 2 तक बने, जो भी ये मेरे 86 बन रहे हैं, 86 ठीक होंगे, 86 टू 90 के बिटवीन ठीक होंगे, 85, 86, 87 एक दो नंबरों से फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तो यहाँ से यहाँ तक मेरे 28 हुए हैं, बैक से मेरी कोशिश होगी मैं 30 से 32 तक उठाऊँ और यहाँ से फिर मैं 28 उठाऊँगी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से यहाँ तक कोशिश करती हूँ कि मेरे 30 या फिर 32 तक उठे। अब यहाँ से मैं दोबारा काउंट करना शुरू कर देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और ये मेरा साइड है 31 तकरीबन उठे हैं। यहाँ से फिर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक 28 उठाऊंगी, इट्स मीन ये मेरे 87 स्टिचेस होने वाले हैं, ये 31 मेरे से उठाए गए हैं 31, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक आप 28 और उठा लें तो ये टोटल 87 हो जाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 19, 20 ये 20 तक तो यहाँ उठाए गए और ये 8 के ये है मेरे पास, इसलिए मैं यहाँ 28 ये भी पूरे हो गए। अब इसको मैं निकाल लूँगी और इसको सिलाई में डाल लूँगी इस साइड पे, क्योंकि ये अभी मुझे स्टिच बनाने हैं, ये मैं इसको इसमें डाल लिए मैं, ओके। ये 20 तक मैंने उठाए हुए हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ठीक। अब ऐसा है कि ये वाला जो ये और ये 5 और ये स्टिच, ये तो मैं इसी तरह बनाऊंगी और बॉर्डर इस साइड पे भी इसी तरह यहाँ तक बनेगा, बाकी पे मैं एक सीधा एक उल्टा करके जैसे ये वाला मेरा बॉर्डर है इस तरह बना लूँगी। अभी तो मैं पहली 8 जो मेरे स्टिच हैं वो इसी तरह बटन पट्टी के जैसे बने हुए हैं वैसे ही बनाती हूँ। ये कि ये मैंने उठाया, इसको मैं एक उल्टा बनाऊँगी, उठाया एक उल्टा, फिर 5 सीधे, 1, 2, 3, 4, 5 सीधे और ये वाला फिर मेरा उल्टा, ठीक।
अब मैंने क्या करना है, एक उल्टा एक सीधा, पीछे से मैंने सीधा बनाऊंगी और पीछे से ही मैं उल्टा बनाऊंगी, पीछे से सीधा। इसी तरह मैं इस बॉर्डर की 8 सिलाइयां तो डालती हूँ ना, देखती हूँ फिर यहाँ भी ऐसे, ये सारा बॉर्डर आप इसी तरह इसको कंप्लीट करें। ये देखें, ये मैंने 2 सिलाइयां डाल ली हैं और ये देखें इसकी ये शेप बन रही है। इस तरह यहाँ पे ऐसे बटन आ जाएंगे और यहाँ पे मैं इन बाजुओं को इस किसके साथ सी दूंगी, जो मैंने बनाए हुए हैं ये बिल्कुल, जब आप मैं इसको सीऊंगी तो ये एग्जैक्ट ऐसे इसके पूरे आएंगे, क्योंकि ये वाला पैटर्न है इसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये जब पहनेंगे तो वो बॉडी के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक, अभी तो मैं ये नेक को कंप्लीट करूंगी, करने के बाद इसकी मेरे ख्याल में 7-8 सिलाइयां और डलेंगी और फिर ये मैं इसकी स्लीव सीती हूँ और ये कार्डिगन तैयार हो जाएगा और साथ में बटन लगा। ये देखें मैंने इतना, मेरे ख्याल में 10 या 12 सिलाइयां डली हैं, ये 1 2 3 4 5 12वीं सिलाई पे, 11 के बाद 12वीं सिलाई पे मैंने इसको बंद कर रही हूँ। ठीक है, मैंने चौड़ा बॉर्डर बनाया क्योंकि लड़कों के चौड़ा बॉर्डर अच्छा लगता है। ये देखें यहाँ फिर ऐसे बटन लग जाएंगे और एक बटन होल इधर आ जाएगा। इसी तरह ये मैंने इसको ऐसे स्लीव से और ऐसे सी लिया है। ये देखें, ये थोड़ा सा जब पहनोगे तो ऐसे एडजस्ट हो जाएगा ना, अब ये ऐसे अंदर को जाता है, लेकिन जब बच्चा पहन के ऐसे बाजू हिलाएगा तो इसने एडजस्ट हो जाना है, क्योंकि इसका पैटर्न कुछ ऐसा है इस साइड से भी, और ये बाजू बिल्कुल इक्वल इसके आए हैं तकरीबन। अब मैं आपको जो बताना चाह रही थी कि इसके ये तो मैंने सारे बंद कर लिए, ये मैंने कैसे बंद कर रही हूँ ये मैं आपको समझाना चाह रही थी। ये देखिए, ये जो सीधा है ना, सीधा पीछे से बनाते हैं ना, इसको बनाने के बाद फिर इसको बंद कर लेंगे, धागा आगे लेके आएंगे। ये जो उल्टा है ना, उल्टे को पीछे से उसी तरह जैसे बॉर्डर बनाते हैं बना के इसको बंद करेंगे ऐसे सीधे, क्योंकि जो जैसे जैसे है उसको धागा आगे कर, उसकी रीजन ये है, एक तो अच्छा लगता है और एक इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है ना, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जब पहनोगे ना तो ये बॉर्डर ऐसे जिस हिसाब से नेक होगी उस हिसाब से जर्स हो जाएगा, बाकी फिर ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, इस वजह से ये मैंने इस तरह ही किया है इसको। अभी ये सीधा आ रहा है तो मैं सीधा पीछे से करूंगी और ऐसे इसको बंद कर लूंगी, उल्टा ये सारे मैंने इसी तरह बंद किए, लेकिन ये जो पट्टी के हैं फिर उस तरह उसी हिसाब से ये जो सीधे सीधे बन के उस तरह बंद हो जाएंगे। ये सीधा करके बंद कर रही हूँ, फिर ये उल्टा करके बंद होगा और ये सारे सीधे करके बंद होंगे, उसके बाद मैं इसको ऐसे ये सारे सीधे ही बंद हो जाएंगे। ठीक है, और ये मैं इतना धागा काट रख के काट लूंगी और इसको बंद करके मैं इसमें सुई को रख के अंदर से परो लूंगी। और ये देखें, अब मैं दिखा रही हूँ ऐसे, जैसे जितना जिसको चाहिए होगा उस हिसाब से ये ऐसे बैन ऊपर से खुल जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको बटन लगा लूंगी, ये मेरे पास बटन है और ये मेरा ऐसे ये ग्रे बटन लग जाएंगे और ये रेडी हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा प्रोजेक्ट पसंद आया होगा, तो इंशाल्लाह जिंदगी रही, किसी और प्रोजेक्ट से मिलते हैं, उतनी देर के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।